अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें हम टर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको मैं डिस्कस करता हूँ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस वाइज तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है मेन इनमें जो है वो डिफरेंस ही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ई का नाम देते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ई का सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं ई e, और कई जगहों पर एप्सनॉन भी सिंबल यूज होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हैं क्या एक सर्किट अगर लिया जाए और सर्किट में मेरे पास लेट से एक सेल है और उस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है स्मॉल आर और ये अटैच है एक सर्किट में रेजिस्टेंस आर के साथ इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच अटैच है और इसके अलावा यहाँ पर अटैच है पैरेलल में वॉल्ट मीटर और वॉल्ड मीटर हमेशा याद रखें पैरल में यूज़ होते हैं या पढ़ते भी हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन में वॉट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज टू मूव इट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ़ द बैटरी कि बेसिकली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हमारे पास कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है पर यूनिट चार्ज और ये बैटरी प्रोवाइड करेगा ये बेसिकली एनर्जी इनपुट है ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के दरमियान फर्ज करें ये रेजिस्टेंस है और सर्किट क्लोज है तब अगर मैं कहता हूं कि एनर्जी सप्लाइड की जगह डेसीपेटेड पर यूनिट चार्ज अक्रॉस एनी टू एंड्स ऑफ अ सर्किट और चाहे वो टर्मिनल्स ही क्यों ना हो लेकिन सर्किट क्या हो क्लोज हो तो तब हम उसको नाम क्या देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का तो दोनों एनर्जी सप्ला है पर यूनिट चार्ज लेकिन एक एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज है और एक एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट चार्ज है एक तब है जब सर्किट क्लोज है और एक तब है जब सर्किट क्या है ओपन है यूनिट अगर हम बात करें दोनों का यूनिट सेम होता है ईएमएफ का ऐसा यूनिट भी वॉल्ट है जाऊल पर कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वॉल्ट है जाऊल पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा अगर हमारे पास एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ई एम एफ प्रेजेंट नहीं होगा तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस भी सर्किट में एग्जिस्ट नहीं करेगा इस वजह से क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ ई एम एफ यह ई एम एफ का इफेक्ट है ई एम एफ की वजह से ये डिवेलप होगा नेक्स्ट पॉइंट अब सर्किट ओपन और क्लोज की तरफ चले जाता है अगर हमारे पास एक सर्किट ओपन हो जैसे ऊपर सर्किट आपके पास बना हुआ है, तो ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर क्या रीडिंग शो करेगा ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है जब करंट की वैल्यू जीरो है जब सर्किट ओपन होगा तो जो वोल्ट मीटर होगा वो क्या रीडिंग देगा बिल्कुल ईएमएफ। एम जब सर्किट हमारे पास ओपन है तो वॉल्ड मीटर तब भी डिफ्लेक्शन शो करेगा तो याद रखिएगा कि सर्किट अगर ओपन है तो हमारे पास आंसर क्या होगा वॉल्ड मीटर विल अस अबाउट ई एम एफ और जब हमारे पास सर्किट ओपन ना हो सर्किट क्लोज हो तो फिर उसी बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम क्या देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का यानी जब सर्किट क्लोज है तो अब क्या कहेंगे जब सर्किट ओपन था तो तब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको आपने नाम दिया ई का लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी वॉल्ड मीटर जो रीडिंग देगा वो किस चीज की देगा हम कहेंगे वॉल्ड मीटर िलटेल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वेन सर्कट इज क्लोज ये बात याद रखनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दर्क टर्मिनल ऑफ द बैटरी वेन सर्कट इज क्लोज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन उसे क्या बोलेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस को उसको हम नाम देंगे ईएमएफ का एक और चीज जो यहां पर आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं वो क्या है जो ईएमएफ होता है ये क्यों होता है ईएमएफ इज बेसिकली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बैटरी के बारे में कि अगर हमारे पास एक बैटरी है और उस बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस शो होता है तो वो क्यों होता है दैट इज़ ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि जो उसने केमिकल एनर्जी स्टोर की जब वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी तो उसकी वजह से ईएमएफ हमारा शो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू फॉल इन पोटेंशियल पोटेंशियल का फॉल करना मीन्स एनर्जी का डेसिप्रेट करना कहां पर अलोंग रेजिस्टेंस इन अ सर्किट और ऑब्वियसली ये फॉल कब करेगा जब हमारे पास सर्किट क्या होगा क्लोज होगा ईएमएफ का ताल्लुक किसे होता है सोर्स से होता है यह बात याद रखिएगा सर्किट में अटैच वो ना भी हो बैटरी या सेल तब भी ई प्रेजेंट होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक प्योरली सर्किट से होगा और सर्किट में ये तब हम बात कर रहे होंगे जब सर्किट क्या होगा क्लोज होगा लास्ट पॉइंट फिर कंपैरिजन की तरफ चलेंगे कि जो ईएमएफ होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और ऐसा आपने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 में भी किया इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके बारे में याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस और ओह लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस से वो क्या होता है वो डायरेक्ट होता है तो ये कंपैरिजन आप लोगों ने याद रखना है और यही कंपैरिजन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं फिर तो कई दफ़ा सर्कट बना होता है और सर्कट ओपन और क्लोज होता है और हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ई एम एफ एग्जिस्ट करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा जैसे एक सर्किट में अगर मैं तीन फिलामेंट बल्ब को ड्रा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस बुक के अंदर और उन तीन फिलामेंट बल्ब में से एक फिलामेंट बल्ब जो है उसका फिलामेंट डैमेज हो गया तो उसके अक्रॉस अगर वॉल्ड मीटर लगा होगा तो वो हमें क्या देगा ई एम एफ क्योंकि सर्कट ओपन है लेकिन जो इसके अलावा बाकी फिलामेंट हैं जो ब्रेक नहीं हुए जो ठीक है उनके क्रॉस अगर वॉल्ड मीटर लगा होगा तो वो रीडिंग क्या देगा जीरो क्योंकि उनमें से करंट पास नहीं करेगा अब आ जाए इनके कंपैरिजन की तरफ कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये मैथमेटिकल रिलेशन भी हम देखेंगे कि हमारा मैथमेटिकल रिलेशन क्या डेवलप होता है इसकी वजह से आर के बारे में आप जानते हैं कि आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का और ये प्रैक्टिकली कभी जीरो नहीं होता इसके क्रॉस हीट लॉसेस प्रेजेंट होते हैं अब तीन हमारे पास इसके केसेस होते हैं अगर हम कहते हैं कि ई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है या आइडियल केस होता है ये तब होगा जब आप कहोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है और ये हमें पता है ऐसा कभी नहीं होता दूसरा केस ई एम एफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर कब होता है ई एम एफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर कब होता है इसका आंसर क्या होगा हमारे पास बताएगा ई एम एफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कब ग्रेटर होगा जब स्मॉल आर नॉन जीरो हो और क्लोज सर्किट की हम बात कर रहे हो और बैटरी क्या हो रही हो डिस्चार्ज हो रही हो बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो चार्ज ना हो रही हो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सर्किट को तो फिर ई जो होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा ग्रेटर होगा और इस केस में जो मैथमेटिकल आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है वो होता है ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर रिलेशन याद रखिएगा अप्लाई तब होता है जब आपके पास सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और वो सर्किट के अक्रॉस डेसीपेट हो रही है ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर और ये लेशन आप देख के बता सकते हैं ई e ग्रेटर है वी टी से और यहां पर जो वी टी की वैल्यू है वो भी आप जानते हैं किसके इक्वल है करंट और सर्किट की जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आई आर प्लस आई आर और ये फार्मूला आपके पास फर्दर सॉल्व होकर क्या लिखा जाएगा ई इज इक्वल टू आई कॉमन ले लें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कई दफा हमें करंट कैलकुलेट करना होता है और ईएमएफ गिवन होता है और रेजिस्टेंस गिवन होती है तो इसी फार्मूला से आप करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो रिलेशन क्या होगा करंट इज इक्वल टू आपको एग्जामिनर डिफरेंट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछेगा जैसे अगर मैं कहता हूं एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेन हुआ मैं इंटरनल ये पॉइंट सुनिएगा लिख नहीं रहा बोल रहा हूं सिर्फ एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेन ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब सर्किट ओपन था तो वॉल्ड मीटर ने जो रीडिंग दी वो वन पॉइंट फाइव दी फाइंड करें करंट की वैल्यू क्या है अब देखिए मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला जब सर्किट ओपन था तो वॉल्ट मीटर ने रीडिंग 1.5 1.5 दी तो जो है 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 वो क्या है? वो क्या आपका है. और जो सर्किट की रेजिस्टेंस वो कैपिटल आर और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर आपके पास करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी अब मैं आपको एक और तरह से ये क्वेश्चन पूछता हूं आपने करंट कैलकुलेट करना है सर्किट का जो सर्किट ऊपर गिवन था उसी जैसा सर्किट है सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी कितनी है वो आपके पास टेन हुआ मैं कहता है जब सर्किट को क्लोज किया शॉर्ट सर्किट हुआ क्लोज किया तो सर्किट को क्लोज करने से जो वॉल्ट मीटर की रीडिंग है वो है 1.4 पॉइंट वॉल्ट अब बताएं करंट सर्किट का क्या होगा देखिए अब मैंने जो स्टेटमेंट बोली उस स्टेटमेंट मैंने बोला कि सर्किट क्लोज है अब सर्किट जब क्लोज होगा तो वॉल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि वो किसके इक्वल है आई आर के तो एग्जामिनर आपको इस तरह के फार्मूलाज के यूजेज बताएगा अब मुझे करंट अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे अब ये वाला फार्मूला यूज करना है VT IR, I VT R. और इस जगह पर अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है और अगर वो गिवन भी होगी तो मैंने फार्मूला में सब्सिट्यूट नहीं करनी ये बात याद रखिएगा कि जब क्लोज सर्किट होगा ओपन सर्किट होगा वो आपको नहीं बताएगा कि क्या चीज आपने खुद माइंड में रखना है कि क्लोज सर्किट में वॉल्ड मीटर ई एम एफ की रीडिंग देगा ओपन सर्किट में सॉरी और क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और दोनों से करंट कैलकुलेट हो सकता है ई एम एफ वाले फार्मूला में इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत भी पड़ेगी लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला में इंटरनल की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ सर्किट की रेजिस्टेंस की जरूरत है वो कितनी है एक और चीज इन फार्मूला से रिलेटेड अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने को कहा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए ये जो फार्मूला आपके पास है यहीं से फार्मूला बनेगा और वो क्या होगा स्मॉल आर Is equal to e minus VT over I. तो ये हैं जो आपके इस केस से बनते हैं और यहां पर मैं इस केस को डायग्राम वाइज भी आपको एक्सप्लेन कर दू कि ई वी टी से ग्रेटर कब होगा ये जो सर्किट मैंने ऊपर बनाया जिसके अंदर मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बैटरी का ईएमएफ ई अटैच है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है साथ है स्विच और वॉल्ट मीटर स्विच क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ यह करंट का फ्लो होगा अब देखें जब करंट का पूरा लूप कंप्लीट हुआ तो इस बैटरी में से जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है क्या करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो आप देख सकते हैं करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब किसी बैटरी में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा तो याद रखिएगा उसका ई क्या होगा पॉजिटिव इसका मतलब है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और इस केस में जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा तो आपने याद रखना है कि अब हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा कि अगर ये करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है अक्रॉस द बैटरी ई वी टी प्लस आई आर के इक्वल होगा यानी ई वी टी से ग्रेटर है ये पॉइंट याद रखिएगा ये या आगे जाकर आप कहीं ना कहीं यूज भी करेंगे अब मैं आपको थर्ड केस बताता हूँ जब आपका ई एम एफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से लेसर होता है ये कब होगा ये तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन ज़ीरो है सर्किट क्लोज है लेकिन अब क्या हुआ है? अब हो रहा है चार्जिंग ऑफ बैटरी जब चार्जिंग हो रही होगी बैटरी की तो याद रखिएगा, आपके पास ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से लेसर होगा अब इसको डायग्राम से समझिएगा और कंपेयर कीजिएगा जो मैंने ऊपर बात की कि मेरे पास अगर ये बैटरी है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है बल्कि इसको मैं आसान कर देता हूं घरों में अगर आपने किसी सेल को चार्ज करना होता है फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल सेल है रिचार्जेबल ये मेरे पास टर्मिनल उसका होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव जब इस सेल को चार्ज करना होता है तो जिस जगह पर आप अटैच करते हो उसको कैसे अटैच करते हो आप उस चार्जर में इसकी अटैचमेंट इस तरह से करते हो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से अटैच करते हो और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से अटैच करते हो यानी इसके क्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हो उसके पोटेंशियल इस तरह अप्लाई होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से अब एक्सटर्नल पोटेंशियल जब यूं अटैच होगा तो अब जरा गौर से देखें कि इस बैटरी में से पास होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी अब इस बैटरी में से पास होने वाला जो करंट होगा वो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा और अब जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा तो अब इसका ईएमएफ पॉजिटिव नहीं लेंगे अब आप इसका ईएमएफ क्या ले रहे होगे वो नेगेटिव ले रहे होगे और इसी वजह से हमारा अब ईएमएफ जो होगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा ये फार्मूला जो मैं लिख रहा था पहले E VT IR अब वो फार्मूला यूं होगा कि VT ज इक्वल टू ई प्लस आई आर या फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा ई इज इक्वल टू वी टी माइनस आई आर जो पहले हमारे पास करंट पॉजिटिव था जो करंट सॉरी पहले क्या था पॉजिटिव था अब वो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा किसके क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस और यह फार्मूला टोटली चेंज हो जाएगा कि पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी उसके करंट की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव ईएमएफ क्या था पॉजिटिव था लेकिन अब जब करंट मूव करेगा उल्टा बैटरी के इनसाइड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अब हम कहेंगे कि उसमें से पास होने वाला करंट पॉजिटिव नहीं है बल्कि पास होने वाला करंट क्या है नेगेटिव और जब करंट नेगेटिव होगा तो फार्मूला में जो पॉजिटिव था अब वो क्या बन जाएगा नेगेटिव फार्मूला ये यूज होगा, E फॉर्मूलाई आर तो ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं कि E करंट पॉजिटिव हो कब यूज होता है जब करंट e नेगेटिव हो बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो दूसरी तरह से देखते हैं अगर बैटरी के इन साइड जो करंट मूव करेगा वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो करंट पॉजिटिव होगा ई वी टी से ग्रेटर होगा और अगर बैटरी के में पास होने वाला करंट उसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो वो करंट नेगेटिव होगा और फिर ई e, लेसर होगा वीटी क्या होगा ग्रेटर होगा और ये आप इस फार्मूला से इजीली देख सकते हैं कि वी टी में से आई आर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो ई e के इक्वल आ रहा होगा क्लियर है ये पॉइंट और मैं इसको समराइजअप करने लगा ताकि ये तमाम बातें हम समराइज़ हो जाएं कि अगर दो बैटरीज बनी हों एक बैटरी में जो करंट का लूप है वो इस तरह से है कि करंट ओवरऑल पास होता है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव करंट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो उसका करंट पॉजिटिव होगा ई एम एफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होगा और ई एम एफ वी टी प्लस आई आर के इक्वल होगा और अगर करंट ट्रांसफर होता है उस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये तभी होगा जब बैटरी चार्ज हो रही है तो अब करंट को क्या लेंगे नेगेटिव अब जो ईएमएफ होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से लेसर होगा और अब फार्मूला बनेगा ई इज़ इक्वल टू वी टी माइनस आई आर और इस फार्मूला को एग्जामिनर रीअरेंज करके भी पूछ सकता है इस फार्मूला को अगर मैं वी टी के लिए लिखूं तो वी टी आएगा माइनस आई आर और इस फार्मूला को अगर मैं VT के लिए लिखूं तो वो क्या आएगा E प्लस आई आर क्लियर है ये पॉइंट कब E वी टी से ग्रेटर है और कब E VT से लेसर है और ये पहला पॉइंट डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है और ये दूसरा पॉइंट चार्जिंग ऑफ बैटरी है एक से ज्यादा अगर बैटरीज अटैच हो तब क्या करना है? तब आपने आपनेट ईमए फाइंड करना है जब क्वेश्चन करना भी है उसमें भी यूज होगा आपका अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज अटैच हो तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है और इस सीरीज की बात करूंगा अगर पैरेलल होगा फिर वो किच ऑफ रूल की तरफ चला जाएगा दोनों में डिफरेंस देखें क्या है इन दोनों कनेक्शंस के अंदर इनको मैं नाम दे देता हूं ई वन ई टू और नीचे मैं नाम दे, दे देता हूँ ई वन और ई टू इस पहले केस में और दूसरे केस में क्या डिफरेंस है अगर ये किसी सर्किट के साथ अटैच है डिफरेंस ये है कि पहले केस में अगर दोनों बैटरीज के करंट को आप ड्रॉ करते हो तो दोनों बैटरीज के करंट की डायरेक्शन सेम है ऑपोजिट टर्मिनल अटैच है नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच है नीचे वाले में दोनों करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है वो ऑपोजिट है और यहां पर सेम टर्मिनल्स अटैच है या नेगेटिव नेगेटिव से या पॉजिटिव पॉजिटिव से याद रखिएगा जब हमारे पास ऑपोजिट टर्मिनल अटैच हो तो करंट ऐड होता है इसका मतलब नेट ईएमएफ बढ़ता है इस केस में हमेशा आप नेट ईएमएफ फाइंड करने के लिए सम लोग हैं और जब सेम टर्मिनल्स अटैच होंगे करंट दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा तो नेट ई डिफरेंस के इक्वल आएगा और ये मैग्नीट्यूड का साइन आपको पता है क्यों लगा रहा हूं बड़े में से छोटे को सेपरेट करेंगे अगर E1 12 वोल्ट है E2 9 वोल्ट है तो नेट ई एम एफ कितना होगा ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री वोल्ट बड़े में से छोटे को करेंगे तो जब एक से ज्यादा बैटरीज अटैच अटैच हो और और ये तीन भी हो सकती भी सकती हैं तब रूल यही है जिनके ऑपोजिट होंगे होंगे वो ऐड जिसका सेम अटैच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो सप्ट्रैक्ट हो जाएगा अब इसको अप्लाई करते हैं और ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का इसमें ये रूल भी अप्लाई हो जाएगा करंट की डायरेक्शन होने से करंट के नेगेटिव होने का भी अप्लाई हो जाएगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने की बात भी हो जाएगी ये ए ओम की रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच हैं दो बैटरीज। एक बैटरी ये है मेरे पास और एक बैटरी ये है इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पॉइंट नाइन है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट वन है इसका ई एम एफ सिक्स है इसका ट्वेंटी फोर है क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है आपने फाइंड करनी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल या अक्रॉस ईच बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी आप बेशक इनको नाम दे दें एक को वन और टू का और फाइन करें जी अब देखते हैं आप लोगों का आंसर करेक्ट है या इनकोरेक्ट है और जो नहीं कर रहे या जिनको समझ नहीं आ रही वो देखें देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है वो कहाँ से आएगा ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर से और वी टी इक्वल आएगा E माइनस आई आर ये फार्मूला है जो आपने यूज करना है अब मैं इनको नाम दे देता हूँ इसको मैं ई वन का नाम दे देता हूँ इसको स्मॉल आर वन का इसको कैपिटल आर का इसको मैं नाम दे देता हूँ आर टू का इसको नाम दे देता हूँ ई टू का अब सबसे पहला काम इक्वलन रेजिस्टेंस ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये सीरीज के अंदर तो इक्वलन रेजिस्टेंस एट प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट नाइन ये आपके पास क्या आ जाएगी नाइन हो फिर आपके पास नेट ई एम एफ अभी मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट और सेम टर्मिनल्स अटैच हों ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से अटैच है अगर सेम टर्मिनल्स अटैच हैं दोनों के करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट तो जो नेट ई एम एफ आएगा वो डिफरेंस के इक्वल आएगा बड़े में से छोटे को बड़ा ई वन है छोटा ई टू है साथ लगा भी दे मैग्नीट्यूड अगर ना बताओ तो ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स एटीन वोल्ट नेक्स्ट काम क्या करें यहाँ से सर्किट का करंट फाइंड कर ले तो V इज इक्वल टू आई आर आई इज इक्वल टू वी ओवर आर और V यहाँ पर नेट ई है और नीचे टोटल रेजिस्टेंस यह आ गया 18 बाई नाइन करंट आ गया 2 अम्पेयर अब जो 2 अम्पेयर करंट होगा ज़रा उसकी डायरेक्शन देखिएगा क्या है करंट यहाँ से फ्लो करेगा बड़ी बैटरी के रेफरेंस है ये यह करंट यहां से फ्लो हुआ अब करंट करंटो तो जब होगा तो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये पूरा लूप कंप्लीट हुआ और यहाँ जो करंट मूव करेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा इसका मतलब एक बैटरी में जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उसका करंट पॉजिटिव है डिस्चार्जिंग का केस और दूसरे केस में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इसका करंट क्या होगा नेगेटिव डिस्चार्जिंग का केस अब फार्मूला जब अप्लाई करेंगे एक दफा मैं अप्लाई करूंगा वी टी वन मेरा आएगा ई वन माइनस आई कर करंट तो सर्किट सीरीज में सेम इनटू टू आर वन दूसरी दफा अप्लाई किया ई टू माइनस आई इन आर टू अब जरा वैल्यूज देखें ई वन कितना है ट्वेंटी फोर अब क्या ई वन का करंट पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ई वन का करंट मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो पॉजिटिव है तो यहां प्लस टू एम्पेयर आएगा तो ये आपके पास आएगा ट्वेंटी फोर तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 23.8 वोल्ट। दूसरी तरफ मैं अप्लाई अगर कर करता हूँ 24 माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस जो 0.9 है अब वहाँ जो करंट है वो फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ उसके पॉजिटिव से नेगेटिव यानी ये चार्जिंग का केस बन गया एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है दूसरी चार्ज हो रही है ये वो केस है जो ऊपर हमने केसेस पढ़े ये उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है ये बन जाएगा ट्वेंटी फोर नेगेटिव नेगेटिव प्लस ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ओके सॉरी ट्वेंटी फोर मैंने लिख दिया ये सिक्स है E2. और into 2, आपके पास आ जाएगा वन पॉइंट एट तो आंसर क्या आ जाएगा सेवन पॉइंट एट वॉल्ट तो जो हमने ऊपर पढ़ा ये हमने उसको अप्लाई कर दिया कि कब हमारे पास ग्रेटर है ई और कब ग्रेटर है वी टी ये दोनों चीजें आपके सामने है जो वीटी आपने फाइंड किया उससे आपको यह पता चला कि आपका जो ई एम एफ है वो ग्रेटर है वी टी से और जो आपने वी टी टू फाइंड किया उससे आपको क्या पता चला कि जो वी टी है वो ग्रेटर है ई एम एफ से तो ये हमारा ई एम एफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक है इसके केसेस भी हो गए इसका यूज भी हो गया थेरेटिकल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं मेरिकल भी पूछे जाते हैं तो दोनों के लिए आप लोगों ने अपने आप को मेंटली रेडी रखना है क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा होगा बुक किसी बुक के अंदर क्वेश्चन है अ करंट ऑफ टू एंपेयर फ्लोज इन अ सिस्टम सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स और डायग्राम गिवन होती है क्या फाइंड करना है फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी अब ये वी ए और वी बी क्या है सर्किट को देखें सर्किट में हमारे पास एक क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप के अंदर चार रेजिस्टर्स हैं और ये सर्किट किसी भी तरह से बन सकता है नहीं कि डायमंड शेप का ही बना हो ये पॉइंट हमारे पास मेंशन है डी ये पॉइंट मेंशन है सी ये पॉइंट मेंशन है ए और ये पॉइंट मेंशन है बी जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास इस सर्किट में वो गिवन है वो करंट कितना है टू अम्पेयर और हमें इस ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है ये रेजिस्टेंस टू ओम है इसके अलावा हमारे पास ये रेजिस्टेंस थ्री ओम है ये रेजिस्टेंस थ्री ओम है और ये रेजिस्टेंस टू ओम है अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे अब इसके लिए करना क्या होगा अब मेथड को देखिएगा सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डी ए और फिर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डी बी और जब इनका डिफरेंस लेंगे डी ए और डी बी का तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डी डी से कैंसल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का कैलकुलेट हो जाएगा फर्ज करें अगर वो कहता है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू तो सी फाइंड करना है अगर विद रिस्पेक्ट टू तो सी फाइंड करना है तो फिर आप क्या करेंगे ए सी बी सी इसका डिफरेंस लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो सी फाइंड हो जाएगा लेकिन यहां पर सी से रिलेटेड फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है सिंपल आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है क्या करेंगे सबसे पहले फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ए डी पोटेंशियल डिफरेंस ए डी का मतलब होगा कि आपने डी

नीचे रेजिस्टेंस को देखो थ्री प्लस टू फाइव है ऊपर भी इक्वल रेजिस्टेंस फाइव ओह है नीचे भी इक्वल रेजिस्टेंस फाइव ओह तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तो करंट इक्वली डिवाइड होता है तो टू अम्पेयर को इक्वली डिवाइड करें इसका मतलब होगा कि वन अम्पेयर करंट ऊपर पास करेगा और वन अम्पेयर करंट नीचे पास करेगा तो हमें टू ओहम का करंट पता चल गया वो वन तो ए डी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया वो टू वोल्ट आ गया सेम चीज अब अप्लाई करें बी डी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना बी डी का वो किसके इक्वल आएगा वी डी माइनस वी बी अगेन आई आर अब जो डी बी है जहां अटैच है वहां पर करंट कितना है वन एम्पेयर वहां रेजिस्टेंस कितनी है थ्री तो क्या आ गया थ्री वोल्ट और फर्ज करें अगर ये करंट इक्वली डिवाइड नहीं भी होता तो आप करंट को फाइंड कर लेंगे और करंट को फाइंड करने के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर वन इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर टू और क्या कर देता हूं इन दोनों को मैं कर लेता हूं सप्ट्रैक्ट सप्ट्रेक्टिंग इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन अब जब सप्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें रिजल्ट क्या आता है टू ये इक्वेशन है वी डी माइनस वी बी माइनस करूंगा इक्वेशन वन को और इक्वेशन वन में जब मैं यहां माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव या आ जाएगा वी डी प्लस वी ए। और राइट साइड पे क्या आएगा राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये है थ्री और ये क्या है टू यहां पर आएगा थ्री टू टू वन वी डी, वी डी से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वन तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि अगर आपने एक सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है उन पॉइंट्स का पोटेंशियल लेके डिफरेंस ले लें ले, आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा क्लियर है और अगर वो कहता कि आपने वी बी माइनस वी ए करना है इस इक्वेशन में से क्या करो इस इक्वेशन में से नेगेटिव कॉमन ले लो तो अगर इस इक्वेशन में से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होगा ये आपके पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वन वॉल्ट दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें वन से तो आपका वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट हो गया और वो कितना है माइनस वन वी ए माइनस वी बी फाइंड करना था तो वन वोल्ट और अगर वी बी माइनस वी ए फाइंड करना था तो आंसर क्या आएगा माइनस वन वोल्ट और वहां जो ऑप्शन थी चार ऑप्शन थी वो क्या थी वो ऑप्शन आपके पास थी प्लस टू वॉल्ट प्लस वन वोल्ट माइनस वन एंड माइनस टू तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये वी ए माइनस वी बी है तो आंसर क्या है बीटा और अगर ये वी बी माइनस वी ए होता तो आंसर क्या होता चार्ली होता लास्ट टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर पावर डेसीपेशन इसकी बात हम करेंगे और फिर स्पेसिफिकली हम इसकी बात इसमें बात करेंगे ब्राइटनेस और बल्ब के बारे में कि कौन सा बल्ब सीरीज में ज्यादा ब्राइट होता है और कौन सा पैरेलल में और मैं आपको मेथड समझा दूंगा कि अगर कोई सर्किट ऐसा हो जहाँ पर सीरीज पैरेलल दोनों इकट्ठे हो रहे हों या पावर डिफरेंट हो तो फिर आपने क्या करना है अब ऊपर पूछा था किसी ने पावर रेटिंग क्या होती है पावर रेटिंग वो पावर होती है जिसके लिए वो प्लाइंस बनाई जाती है फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है एटी वाट का तो वो जो एटी वाट का बल्ब है वो एटी वाट का बल्ब जिस जगह लगाएंगे इसका मतलब है कि उसको एटी वाट मैक्सिमम पावर उसको रिक्वायर्ड है उसको ऑपरेट करवाने के लिए अब हमारी इनपुट पावर होती है कि हम उसको कितनी पावर देते हैं अगर तो पावर रेटिंग जितनी पावर दे देंगे तो वो अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा जो उसका ल्यूमन्स होते हैं उतनी लाइट देगा लेकिन अगर हमारी पावर इनपुट उसकी पावर रेटिंग से कम होगी तो वो उतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता उसके ल्यूमन जो एक्चुअल होंगे उसे कम होते हैं ठीक है तो वो पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट जब आपको दिया जाता है तो सिंपल उस अप्लायंस की पावर बताई जाती है और ये हर अप्लायंस के ऊपर आप देखेंगे कोई भी अप्लायंस उस पे लिखा होता है जैसे आप बल्ब लेकर आते हैं उसके बॉक्स पे लिखा होता है एसी लेकर आए उसके साथ उसकी प्लेट लगी होती है जिस पे लिखा होता है और पावर रेटिंग करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग तीनों चीजें होती हैं कि पावर कितनी रिक्वायर्ड है वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड है और इसके अलावा आपको करंट कितना रिक्वायर्ड होता है खैर हम आते मेन चीज की तरफ जिसकी जरूरत है इलेक्ट्रिक पावर पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है जब इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे हम क्या कहेंगे द रेट एट विच द बैटरी इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट द रेट एट विच बैटरी इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और ये कौन सी पावर है पावर इनपुट अगर मैं इस चीज़ को यूँ बोल लूँ द रेट एट विच एनर्जी इज डेसीपेटेड अक्रॉस द सर्किट तो ये क्या है ये पावर डेसीपेशन है और जब हम किसी बल्ब के अंदर बात करते हैं ना कि बल्ब हमारे पास पावर को यूटिलाइज कर रहा है वो पावर को डेसीपेट कर रहा है वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है जो हम इनपुट देंगे उसके मुताबिक वो पावर को क्या करेगा डेसीपेट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मेन चीज़ क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर तो बेसिक फार्मूला इसी डेफिनेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ है मैं डिवाइड कर दूँ टाइम से ये पावर है कई दफा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज ओवर टाइम इससे भी पावर कैलकुलेट हो जाती है इसके अलावा पावर के क्या रिलेशन है ये जो फार्मूला आपके साइड पर लिखा हुआ है इसमें क्यू ओवर टी किसके इक्वल होगा करंट के तो यहीं से पावर का रिलेशन आता है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इन टू करंट ये आमतौर पर पावर रेटिंग का रिलेशन होता है जो आपके पास अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है वोल्टेज करंट पावर पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग ये पावर रेटिंग है इसके अलावा पावर का रिलेशन जिसको हम आमतौर तो पे पावर के लिए यूज करते हैं डेवल टू आई पुट करेंगे तो आई स्केर आर और जब आप आई की जगह वी ओवर पुट करोगे तो पावर इज इक्वल टू वी ये हमारे रिलेशन यूज होते हैं अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आई स्केयर आर वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई हम कर रहे होते हैं सीरीज में और हमें ये रिजल्ट बताता है कि सीरीज में करंट अगर सेम है तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस पावर डेसिपेशन भी ज्यादा होगी और वीस के रोवर आर वाला रिलेशन हम यूज कर रहे होते हैं पैरेलल में और ये बताता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके क्रॉस पावर डेसीपेट ज्यादा हो रही होगी एक बड़ा आसान सा सवाल मैं हर दफा बच्चों से पूछता हूं क्या एसी की रेजिस्टेंस कम होती है या फैन की रेजिस्टेंस कम होती है क्या एसी की रेजिस्टेंस कम होती है या फैन की रेजिस्टेंस कम होती है जी एसी की रेजिस्टेंस कम होती है ये आपके सामने जो रिलेशन है यही बताता है क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी तभी तो उसके क्रॉस पावर डेसीपेट ज्यादा होगी अगर तो फैन की रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो तो फिर फैन के क्रॉस पावर डेसीपेशन ज्यादा होनी चाहिए और हम जानते हैं कि पावर डेसीपेट ए सी के क्रॉस ज़्यादा होती है और फैन के क्रॉस कम होती है और ये पावर रेटिंग है उसको चाहिए कितनी पावर जिसको जितनी पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है उतनी वो पावर डेसीपेट ज़्यादा करेगा उतनी उसकी रिजिस्टेंस कम होगी तो ये रिलेशन जो लास्ट वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीस के रोवर आर और ये रिलेशन हमें नॉर्मली अप्लाइंसिस की रिजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता है ये लास्ट वाला रिलेशन पावर डेसीपेशन का अब ये सारे रिलेशन आपको यूज़ करने आने चाहिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन के यूज से पहले एक और फार्मूला यहाँ पर डिस्कस करूंगा पावर आउटपुट का अब ये पावर आउटपुट का रिलेशन आप लोग बुक में देखते हैं लिखा हुआ और वो क्या है कि आउटपुट पावर जो हमारे पास होगी वो किसके इक्वल होगी ईएमएफ का स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिवाइड बाय आर सर्किट रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस होल स्क्वायर अब कंडीशन की बारी है कि ये जो पावर आउटपुट है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक सोर्स ऑफ करंट है वो मैक्सिमम पावर आउटपुट दे तो मैक्सिमम पावर आउटपुट कब देगा जो पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए कब जब हमारी सर्किट की रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाए कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए अब यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि कई दफ़ा वो कहता है कि क्या हमारी सर्किट की रेजिस्टेंस इंटरनल से भी कम हो सकती है नो याद रखिएगा हमारी सर्किट की रेजिस्टेंस इंटरनल से ज़्यादा हो सकती है उसके इक्वल हो सकती है उसे लेसर नहीं हो सकती अगर ऐसा होगा सर्किट जल जाएगा ख़त्म हो जाएगा सारी एनर्जी इंटरनल के क्रॉस डेसीपेट हो जाएगी तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि सर्किट की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से लेसर नहीं हो सकती उसकी जो मिनिमम कंडीशन हमारे पास आती है वो ये आती है कि वो इंटरनल के इक्वल है तो यहां पर कंडीशन याद रखनी है या तो वो इंटरनल से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा ये पॉइंट याद रखिएगा आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि वायर को ब्रेक कर दें इतना ब्रेक करें कि उसकी वैल्यू इंटरनल से कम हो जाए तो याद रखेंगे पॉसिबल नहीं है पावर आउटपुट के लिए तो जब मैं ये रिलेशन यूज करता हूं कि मेरे पास यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल है तो फिर मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला आ जाता है और वो क्या है ई स्केयर ओवर फोर आर लिखने की हद तक इसको लिख सकते हैं कि ये ई स्केयर ओवर फोर आर है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल है स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल नहीं है कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल है और अगर ऐसा हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि हमारी ये रेजिस्टेंस जो है ये मिनिमम है और इसके मिनिमाइज करने की वजह से पावर मैक्सिमाइज हो गई है और वो कितनी मिनिमम हो सकती है इतनी कि वो इंटरनल के इक्वल आ जाए तो तब पावर क्या होगी मैक्सिमम होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर थोरेटिकल होते हैं जहां पर आपको कहेगा कि आर कैपिटल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर तो आपने इतनी मिनिमम नहीं कर देनी कि वो उस स्मॉल आर से भी छोटी हो जाए उससे छोटी हो गई तो काम खराब हो जाएगा आपके पास सर्किट ऑपरेट नहीं होता क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ पास पेपर का और फिर उसके बाद मैं ब्राइटनेस की तरफ जाऊंगा क्वेश्चन आसान होते हैं पावर के मुश्किल नहीं होते और ये पावर की बात हमने चैप्टर नंबर फोर का जो यूनिट था वर्क एनर्जी पावर उसमें भी डिस्कस किया था यूनिट नंबर थ्री में भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूरी नहीं लिख रहा सिर्फ डाटा लिख रहा हूं एक टॉर्च है जो ऑपरेट हो रही है टू पॉइंट टू वॉल्ट के ऊपर और जो करंट उसमें पास कर रहा है वो कितना है पॉइंट टू फाइव एम्पेयर फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो उसमें फ्लो करेंगे कितने टाइम में वन सेकेंड में और दूसरा एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहे आप उसको कि जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो फाइंड करें चाहे आप ये कहें कि जो वो डेसीपेट कर रहा है उसको फाइंड करें क्वेश्चन जो था यूं था अ टॉर्च इज रेटेड टू पॉइंट टू वॉल्टाइव एम्पेयर कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन वन सेकेंड एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई पैसेज ऑफ ईच कोलम ऑफ चार्ज ये वही बात जो आप कह रहे हैं रेटिंग वाली ये वही चीज है टू पॉइंट टू वॉल्टाइवेयर कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन वन सेकेंड एंड एनर्जी ट्रांसफर बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज यानी एनर्जी पर कूलम चार्ज कैसे सॉल्व करना है इसको यह आपकी मर्जी है कि आपको कैसे आसान लगता है देखें करंट चार्ज ओवर टाइम है तो चार्ज यहां से किसके इक्वल आ जाएगा करंट इनटू टाइम के तो करंट हमारे पास कितना है पॉइंट टू फाइव और टाइम कितना है वन तो चार्ज आ जाएगा पॉइंट टू फाइव कुल दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है एनर्जी को अब एनर्जी को आप पावर से फाइंड भी कर सकते हो ठीक है और इसके अलावा आप डायरेक्ट एनर्जी को एक और तरह से फाइंड भी कर सकते हो तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं डायरेक्ट फाइंड करने का तरीका तो ये है कि एनर्जी किसके इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के मैंने ऊपर लिखा भी था पावर के फार्मूला में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टू पॉइंट टू चार्ज कितना है पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव का मतलब होता है वन बाय फोर 2.2 पॉइंट टू इंटू वन बाय आपके पास आ जाएगा पॉइंट डबल फाइव और दूसरा मेथड जो था कि पावर अगर आपके माइंड में आ जाए कि पावर से इसको सॉल्व करना है तब क्या करेंगे कि पावर करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है पावर एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम है तो फिर आपके पास एनर्जी आ जाएगी करंट वोल्टेज इंटू टाइम तो यही बात है क्योंकि करंट टू टाइम क्या चार्ज आंसर सेम आएगा करंट कितना है पॉइंट टू फाइव वोल्टेज कितना है टू पॉइंट टू और टाइम कितना है वन सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि वन ही मल्टीप्लाई हो रहा है अब भी आंसर क्या है तो चाहे आप इसको कहें कि ये क्वेश्चन पावर से रिलेटेड था तब भी ठीक है उससे भी सॉल्व हो जाता है चाहे आप कहें क्वेश्चन ये पावर से रिलेटेड नहीं है ये सिंपल पोटेंशियल एनर्जी और करंट से रिलेटेड है तब भी ठीक है दोनों से ये इजीली सॉल्व हो जाता है लास्ट आज का टॉपिक ब्राइटनेस ऑफ बल्ब या तो हम सबको होता है कि सीरीज में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसकी पावर कम है और पैरेलल में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसकी पावर ज्यादा है प्रैक्टिकली है कि घर में अगर एक रूम में लाइट कम है हम कहते हैं जी ज्यादा पावर वाला बल्ब लगा दें तो ऑटोमेटिकली वो जो ज्यादा पावर वाला बल्ब होता है वो लाइट ज्यादा देता है तो इस चीज से माइंड में रखते हुए हमेशा हमारे आंसर ठीक होते हैं कि हम घरों के अंदर पैरल सर्किट्स को देखते हैं और पैरल में ज्यादा पावर वाला बल्ब ज्यादा लाइट देता है तो सीरीज में इसके रिवर्स है क्यों है हम उसकी बात करेंगे तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब दो कंडीशंस को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूंगा कि मेरे पास दो लाइट बल्ब हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं उनको मैं यूज करता हूं सीरीज में और उनको मैं यूज करता हूं पैरेलल एक बल्ब मैं कह देता हूं कि मेरे पास 50 वॉट का है एक बल्ब मेरे पास 20 वॉट का है और यही दो बल्ब मैं यहां पर भी ले रहा हूं पैरेलल के केस में ये 20 वॉट बल्ब ये 50 वॉट बल्ब और ये पैरेलल में अटैच है एनर्जी सोर्स के साथ अब ये जो पावर मेंशन है 20 वॉट और 50 वॉट ये बेसिकली इनकी पावर रेटिंग है दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये किस वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं वो उनकी वोल्टेज रेटिंग है मैं जो यहां पर कंडीशन आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि अगर जो दोनों बल्ब हैं इन दोनों की पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग सेम है यानी ये आपका बल्ब जो है फिफ्टी वाट का है ये ट्वेल्व पे ऑपरेट होता है ये ट्वेंटी वाट का है यह ट्वेल्व पे ऑपरेट होता है ये ट्वेंटी वाट का ये भी ट्वेल्व पे ऑपरेट होता है ये फिफ्टी वाट का ये भी ट्वेल्व पे ऑपरेट होता है तो पावर रेटिंग गिवन है साथ वोल्टेज रेटिंग भी गिवन है कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा कौन सा लेस ब्राइट होगा पहले डायरेक्ट सुन लें सीरीज के अंदर जिस बल्ब की पावर कम होगी वो ज़्यादा ब्राइट होगा और जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम ब्राइट होगा पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइट होगा और जिसकी पावर कम वो कम ब्राइट होगा ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर क्यों होगा अब उसकी बारी है सबसे पहला काम जो हमें ब्राइटनेस बल्ब में करना होता है वो ये कि हमें जो बल्ब गिवन होते हैं उनकी रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता अब पहला काम सीरीज पैरेलल बाद में है वो ये है कि पावर का फार्मूला यूज करें वी स्केयर ओवर आर और यहां से आमिर इकबाल मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा फिर आप सोते रहिएगा यहां से रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी वी स्केयर ओवर सी को मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं कहता कि जबरदस्ती आए ठीक है।, है अपने शौक से आए शोक से, से सुने नहीं दिल कर रहा नींद आ रही है चले जाए तो रेजिस्टेंस वीस के रोवर पी के इक्वल तो रेजिस्टेंस का पावर से क्या रिलेशन है इनवर्स अब ये जो वी है ये क्या है ये वी वो वोल्टेज है जो ये गिवन है पावर रेटिंग अब मेरे इस एग्जांपल के अंदर ये वोल्टेज क्या है सेम तो मैं सिर्फ और सिर्फ किससे कंपेयर कर रहा हूंगा पीस है अगर ये वोल्टेज डिफरेंट होगा तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर वोल्टेज पुट करके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूंगा और अब आपके सामने एक रिजल्ट आया वो क्या आया कि रेजिस्टेंस का पावर से जो रिलेशन है वो इनवर्स है जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी अब हमें नजर आ रहा है कि 50 वॉट पावर ग्रेटर है 20 वॉट्स से इसे यह पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो 50 वाट वाले बल्ब की कम है किस से ट्वेंटी वाट वाले बल्ब से ये पॉइंट पहली बात ये हमें पता होना चाहिए ये डायरेक्ट भी आपको पता चल जाता है क्योंकि आपको पता है कि पावर का और रेजिस्टेंस का ताल्लुक इन्वर्स है तभी आप कहते हो कि ए की रेजिस्टेंस कम है फैन की रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या है सेम अगर दोनों का वोल्टेज सेम तो पावर से रिलेट करके आप बताओगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसकी कम है अब आ जाए कि हम सीरीज में ब्राइटनेस और पैरेलल में ब्राइटनेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आंसर है सीरीज और पैरेलल में जो ब्राइटनेस होती है वो आइडेंटिफाई होती है पावर डेसिपेशन से होती है पावर डेसिपेशन से जो बल्ब पावर डेसीपेट ज़्यादा करेगा चाहे सीरीज हो या बल्ब हो उसकी ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस उसकी लाइट ज़्यादा होगी मैंने ऊपर क्या बताया था कि सीरीज में पावर डेसीपेशन को फाइंड करने के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं हम पावर डेसीपेशन के लिए यूज करते हैं आई स्केर आर तो क्या रिलेशन आया सीरीज में पावर डेसीपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब अब आप ऊपर देख सकते हैं किस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है बीस वाट वाले की तो बीस वाट वाले बल्ब की अगर रेजिस्टेंस पचास वाट से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे 20 वॉट वाला जो बल्ब है उसकी पावर डेसिपेशन 50 वाले बल्ब से ज्यादा होगी और तो फिर जिसकी पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी ये कॉन्सेप्ट है ओवरऑल अब आए पैरेलल की तरफ अब पैरेलल के अंदर भी मैं सेम चीज अप्लाई करूंगा कि पावर डेसीपेशन का कौन सा फार्मूला है पावर फार्मूला है वी स्केर ओवर आर अब पावर डेसीपेशन का जरा रेजिस्टेंस से रिलेशन देखें तो क्या बना इनवर्स और जो पावर डेसीपेशन का रिलेशन बना रेजिस्टेंस से बेसिकली वही रिलेशन किसका बन रहा है आपके बल्ब की ब्राइटनेस का ब्राइटनेस का रेजिस्टेंस से रिलेशन इन्वर्स है पैरेलल में और ब्राइटनेस का रेजिस्टेंस से रिलेशन डायरेक्ट है सीरीज में अब कंपैरिजन आपके सामने जिसकी रेजिस्टेंस कम तो 50 वाट वाले की रेजिस्टेंस 20 वाट वाले से कम है तो अगर 50 वाट वाले की रेजिस्टेंस कम है तो 50 वाट वाला पैरेलल में पावर डेसीपेट ज़्यादा करेगा एज़ कंपेयर टू 20 वाट तो फिर जो पावर डेसीपेट ज़्यादा करेगा वो बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा वो ग्लो भी ज़्यादा करेगा ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ब्राइटनेस का कि सीरीज और पैरेलल में हमारे पास कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होता है अब एग्जामिनर आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए पावर रेटिंग सेम ना दे अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पावर रेटिंग ना दे सेम वो डिफरेंट दे दे तो खैर आप क्या करेंगे इस पहले स्टेप के अंदर यहां पर उस वोल्टेज को जो गिवन होगा चाहे वो डिफरेंट है सेम है आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे आगे तो सेम मेथड है आगे तो आपने यही देखना है कि रेजिस्टेंस और पावर का आपस में रिलेशन क्या है और उसी से आपने आंसर देना है तो चाहे पावर रेटिंग सेम हो चाहे डिफरेंट हो मेथड ये ओवरऑल सेम है तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं कंक्लूड करके क्या लिखूंगा कि सीरीज के अंदर जिस बल्ब की अब देखें पावर और पावर डेसीपेशन दोनों को मिक्स नहीं करना ये शॉर्टकट की बात हम करने लगे हैं, कंक्लूड करने लगे हैं। सीरीज के अंदर ऐसा बल्ब जिस बल्ब की पावर जो पावर रेटिंग है वो कम होगी उस बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा होगी और मैं स्पेसिफिकली बात कर देता हूं ये पावर रेटिंग है उसकी और पैरल में क्या कहूंगा पैरल में कहूंगा कि वो बल्ब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी क्या आईंदा अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ब्राइटनेस के साथ मैं छोटा सा लिख रहा हूं पावर डेसीपेशन ताकि आपको पता चल जाए कि ये पावर जो मैं लेफ़्ट पे लिख रहा हूँ वो कौन सी है और ये पावर ब्राइटनेस डेसीपेशन से रिलेटेड है